भगत सिंह सरबार छपना चाहिए रे सरदार छपना चाहिए रे भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे कोई नहीं मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। क्या लिखा पहली लाइनों में भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे सरदार छपना चाहिए। और हमारे बड़े ही समाज सेवी और इस देशभक्ति गीत पर परम आदरणीय जय सिंह हमारे सरपंच साहब जी जिन्होंने 2000 रुपए पहले दिए और 3100 रुपए और देते हैं 51 रुपए से हमारी टीम को आशीर्वाद देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से साथियों बहुत बधाई करते हैं। आइए साथियों आदरणीय सुखबीर सिंह जी दिल्ली से वो 200 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रागने पर घोषणा कर देते हैं। सुखबीर सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद। बताया प्रेमी श्रोताओं कि आज भी उस भगत सिंह को लिखित रूप में शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ है, आज भी उसको आतंकवादी का दर्जा मिला हुआ है। किसी सर ने ये लिखा है कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन और जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। दूसरी लाइनों में क्या लिखा कवि ने, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया, हाथ दिया हाथ में हाथ लिया, जय जवानी और जय किसान का नारा लगना चाहिए रे चाहिए रे चाहिए रे, लौटायों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे सरदार।
इस देश से देश के लिए जान नहीं देते, हम जैसी लड़कियों के लिए जान देते हैं, लेकिन उन जैसे नौजवानों के लिए कहा है कभी ने कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने इस वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो ये हसीन अभी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। अगर इस लड़की के लिए मरोगे ना तो मोहल्ले वाले भी ये कहेंगे बढ़िया हुआ मर गया, माँ बाप का नाम और खराब कर रखा था। और अगर इस देश के लिए जान देकर जाओगे तो सदियों सदियों तक याद किए जाओगे कि भाई कोई इंसान इस दुनिया में था जो अपने परिवार अपने गांव को छोड़कर इस देश के लिए जान देकर गया। आइए तीसरी लाइनों में बताया कि आजकल के नौजवान ये सोचते हैं मेरी अच्छी सी लड़की से शादी हो, मेरे 6-7 बच्चे हो, वो हो, फुलाना हो, अच्छी सी नौकरी हो। लेकिन भगत सिंह क्या सोचता था, क्या लिखा? आदरणीय कुलदीप चौहान जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं देशभक्ति रागनी पे खुश होकर। बरसानो 100 रुपया देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। कर गया की पूरी पानी तेरी आजा पानी आख्या परिहार, ब्रह्म सिंह परिहार दिल्ली से, वो भी 1100 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रागने पे खुश होकर देते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या नाम? पृथ्वी सिंह दीवानी से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं अंकल जी का, तहे दिल से धन्यवाद। बताया कि 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, नौजवान बड़े खुश होते हैं उस दिन के लिए, और मिलता कुछ नहीं नौजवानों को, ठहठहना खाली रह जाते हैं। लेकिन बताया 14 फरवरी की असलियत ये है कि 14 फरवरी को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और 23 मार्च को फांसी हुई थी तीनों वीरों को। आप सभी ने देखा होगा जब 2 अक्टूबर आता है ना तो सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन जब 23 मार्च आता है तो कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। किस तरह से अंतिम लाइनों में बताया कि जब वो देशभक्त इस देश के लिए जान देकर गया तो पूरी दुनिया का दर्द हुआ था कि हमारे बीच से आज एक शेर गया है। कैसे, क्या लिखा? आइए, सुठाना से 500 रुपए सम्मान करते हैं। बिल्लो सरपंच साहब जी सुठाने से वो भी 500 रुपए सम्मान करते, बार बार धन करते हैं। आइए साथियों, क्या बताएं? भारत माता लाल खपा दिया सारी दुनिया।
जी सरकार जपना चाहिए रे ऊपर भगत जी हार जपना चाहिए रे भारत माता पूत लाड़ी ला भारत माता पूत लाड़ी ला दिल में बसना चाहिए रे चाहिए रे चाहिए रे लौटायो पर भगत सिंह सरकार छपना एक बार वो हाथ खड़े करो जो अपनी भारत माता से प्यार करता है। क्या बात है, कुछ लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए। अरे आप इस देश में नहीं रहते हो क्या? जिस देश में रहते हो उस देश के लिए हाथ खड़े नहीं कर सकते तो और क्या करोगे? अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो उठाइए नवासीधे हाथ, और अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तानी बैठा है तो उससे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी और सीधे हाथ खड़े कर तालियों के साथ भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहेंगे क्या? लौटाओ पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। लौटाओ पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। लौटाओ पर भगत सिंह सरदार